हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस, आज मैं, पापा और भाई तीनों जा रहे हैं गाजियाबाद। आज लड्डू का है बर्थडे और आज वहाँ पे लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। सो गाइस, आज खूब मज़े आने वाले हैं वहाँ पे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी 6 बजे के आसपास ट्रेन है, तो मैं मिलूंगा उसे सीधा रेलवे स्टेशन में। तो चलिए गाइस, फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 6 बजने वाले हैं। तो अभी काफ़ी अंधेरा है जैसे कि देख सकते हो आप, और जैकेट भी डाल गया क्योंकि अक्टूबर का महीना है, सर्दी अभी स्टार्ट हो गई है काफ़ी। तो अभी ट्रेन आने में टाइम है, तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे। गाइस, दिन भी निकल आया है और अभी तक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन 6:30 बजे की है, आश्रम एक्सप्रेस, जो अभी आने वाली है थोड़ी देर में, उसके बाद में जाएंगे यहाँ से। सो आज नया रूट लेने वाला हूँ गाजियाबाद के लिए। पहले बच्चे गया था जब, उसके लिए अलग रूट दिखाया था मैंने, और आज अलग रूट दिखाऊँगा आपको। सो गाइस, मेरे साथ वीडियो में बने रहना। तो आज आपको नया रास्ता दिखाने वाला हूँ मैं गाजियाबाद के लिए, कि दिल्ली से, अलवर से गाजियाबाद जाना हो तो आप कैसे नया रास्ता ले सकते हो। सो चलिए गाइस। फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट पे और अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो ट्रेन के लिए नहीं बना पाया। तो अब यहाँ से मेट्रो के लिए रिक्शा पकड़ेंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं लड्डू के पास में। तो लड्डू, हेलो कर दो, हेलो, हाय करो, हाय, हेलो करो, हेलो कर दो। भूल गया, अब भूल गए। तो फाइनली आज इसका बर्थडे है और शाम को आज पार्टी है। पार्टी आज है तो पार्टी करेंगे शाम को आज। आज बेटा ले जा, जा नानू के पास जा, आ जा नानू के पास ना जाए। देख वो चिया ना, देखा वो चिया, चिया आ गई। नानू का लाए हैं तेरे लिए, देख चिया आ गई। नानू के लाए हैं, देखो नानू के लाए हैं, डैडू लाए हैं। चल चला, चल चला उसे का। तो गाइस, पहुंच गए लड्डू के पास में और टाइम हो रहा है 12:15 और अभी थोड़े काम से आया हूँ बाहर। तो लड्डू बाय बाय करो, लाए लड्डू, आए करो लड्डू, आए करो, भूल गया थोड़ा सा भी आया करना, पहले तो फटाफट से कर जाता था आए। तो गाइस, मैंने पीछे के लिए आपको दिखाया नहीं, ट्रेन से मेट्रो से आया तो गाइस भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सीट भी नहीं कर पाया। बाय कर रहा है, हर किसी को बाय कर रहा है देख देख के। तो अब मैं आपसे सीधा शाम को मिलूँगा पार्टी के टाइम पे। और कुछ खास रास्ता था नहीं यहाँ का, सीधा रास्ता दिल्ली कैंट से मेट्रो तिलकनगर, तिलकनगर से सीधा गाजियाबाद के लिए मेट्रो निकल रही है। तो गाइस उसी से आ गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आज। तो अब लड्डू के साथ में मस्ती करेंगे और शाम को मिलूंगा मैं आपसे पार्टी के टाइम पे, तो मस्ती करेंगे। गाइस फाइनली रेडी हो गए, तैयार हो गए हैं और टाइम हो गया है 6:30 और अब जाने का टाइम हो गया है लड्डू के पार्टी में। तो सब रेडी हो गए हैं और भैया भी रेडी हो गए हैं ये और सब तैयार हो गए हैं बाकी, तो अब चलते हैं। तो गाइस, लड्डू भी हमारा तैयार हो गया है और सूट वूट पहन लिया है इसने और अब जाने के लिए रेडी हैं सब। जियाजी भी आ रहे हैं तो जियाजी भी रेडी होंगे, फिर तो उसके बाद में जाएंगे, चलेंगे, है ना। ये अभी से डांस करने लग गए हैं, डांस करेगा
और डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक। तो अब रेडी हो गया है, अब चलेंगे पार्टी। पार्टी कर चलेगा। राधे 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 राधे। इस फाइनली वेन्यू पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे राजस्थानी रेस्टोरेंट बुक किया है जियाजी ने, जो राजस्थानी खाना यहाँ पे मिलता है। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे घूमर रेस्टोरेंट है जो जियाजी ने बुक किया है, और यहाँ राजस्थानी खाना मिलता है पूरा। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लड्डू के वेन्यू पे, और अब पार्टी करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, और राजस्थानी खाना भी मिलने वाला है। गाजियाबाद में राजस्थानी खाना पहली बार देखा है मैंने। तो गाइस मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे आज। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर। तो पहुंच चुके हैं राजस्थानी खाना। राम राम भाई। तो पूरा जो राजस्थानी है यहाँ पे, राजस्थानी खाना मिलता है यहाँ पे। तो जैसे कि वेन्यू देख सकते हो आप, वहाँ पे पार्टी होने वाली है। तो भाई सब आ चुके हैं, सारे रिश्तेदार जियाजी के ऑफिस कलीग सब आ चुके हैं। लड्डू का केक भी आ चुका है। तो भाई जब प्रोग्राम जो है स्टार्ट होगा केक कटने का, और अब आप देख सकते हो केक कटने वाला है, सब आ चुके हैं। लड्डू को बीच में रखो। राहुल।
पहले केक सर्व होगा, तो सब बैठ चुके हैं अपने। तो भाई राजस्थानी थाली तैयार हो गई है। तो ये दही बड़े और ये शाही पनीर सब्जी और आलू की सब्जी, गट्टे की सब्जी, धनिया कड़ी और बाटी कचौरी और रोटी। तो भाई फटाफट से फिनिश करते हैं खाने को। Thank you.
पार्टी फिनिश हो चुकी है, खाना भी खा लिया। खाने काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ था जो मैं नहीं मंगाया क्योंकि पेट वैसे काफ़ी फुल हो गया था। और भी कुछ था जैसे खीर और चावल वगैरह, ये सब थे खाने में, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी, जलेबी वगैरह, तो काफ़ी कुछ था खाने में। खाना खा के मज़ा आ गया, राजस्थानी का स्वाद आ गया बिल्कुल। तो गाइस अब यहाँ फिनिश हो चुका है सब, तो अब चलते हैं घर और घर चल के करते हैं ब्लॉग को एंड। सो गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं और अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं और सुबह जल्दी भी निकलना है अलवर के लिए। सो गाइस पता नहीं 2:30 बजे की ट्रेन है सुबह रानीखेत एक्सप्रेस, सो 2:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो सिर्फ मेरे पास 2-3 घंटे हैं सोने के लिए और आज सुबह का भी जगा हुआ हूँ और अब सुबह भी जल्दी उठना है, 2-3 घंटे की नींद लेनी है बस। सो गाइस फटाफट से सोते हैं, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय गाइस। And I'm stuck in this loop again.